डायलॉग। व्हाट चेंज डायलॉग? सो आज हम स्ट्रक्चर नहीं कुछ अलग देखेंगे। अलग क्या? अलग है टेंस। आई नो आप जानते होंगे टेंस के बारे में, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। इसे और डिटेल में हम अपने आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। आज बस ऐसे ही टेंस के बारे में सिंपल से बता रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले टेंस होता क्या है? व्हाट इज टेंस? यही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वो होता है, मानती हूँ मैं। लेकिन अगर हम सिर्फ टेंस की बात करें विदाउट उसके पार्ट्स की, तो टेंस इज कॉल्ड टाइम। मतलब टेंस ही टाइम है और टाइम समय। टेंस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं, जानते हैं ना आप। ओके, अब टेंस की बात कर लिया, अब उसके पार्ट्स की बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये जो टेंस के पार्ट्स है, अब इन पार्ट्स के भी पार्ट्स हैं, कैसे? चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी ना मेरे पास, लेकिन होता है, टेंस लगता है सबके पीछे। कहाँ पे थे आप? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, और इसके नीचे जो सिंपल टेंस लिखा है, वो कोई अलग बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी का निकनेम नहीं आता वैसे मेन तो इंडेफिनिट है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर कोई बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अब इसके भी दो अलग अलग नेम है, मतलब अलग नामों से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, ये अगर कोई बोले कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और किन दो नाम से जानते हैं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका कोई अलग नाम नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अच्छा चलिए अब इन सबके भी पार्ट्स देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका निकनेम क्या है? निकनेम है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अब इसके भी दो अलग अलग नामों से जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये सब इम्परफेक्ट के ही तो अलग अलग नाम है, ठीक है, ये कोई अलग से पार्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, ये चार है, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर टेंस के भी चार ही पार्ट्स हैं, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम कौन दो दो नाम से जानते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट एंड द फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसे याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उतनी दिक्कत? क्योंकि इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या? कि अगर हम इसमें से किसी एक का भी याद कर लेंगे ना, तो काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? इन सबको क्यों नहीं याद करें हम? क्योंकि आइए एक चीज नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें कॉमन क्या है? सब में इंडेफिनिट टेंस लगा है। इनफैक्ट अगर हम सबके अलग अलग पार्ट्स की भी बात करें, तो बस हमने क्या क्या हटा के क्या क्या लगा दिया है? प्रेजेंट हटा के पास्ट, या फिर प्रेजेंट और पास्ट को हटा के फ्यूचर। ओके, तो देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फोर्थ पार्ट में है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं और टेंस में क्या लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम है ना सब कुछ, बस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हटा के हमने कर दिया है।
अच्छा, इन सबके पार्ट्स को हम और डिटेल में जानेंगे कि इनको सेंटेंस बनाने में कैसे यूज करते हैं, कैसे इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इन सब के लिए मैं आपको अपने अलग वीडियो में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। आई होप आपको आज का न्यू टॉपिक पसंद आया होगा।